Dal Surabhi, brought to you by Amul, the taste of India, and Dhara. देखें कि इस हफ्ते की अमूल सुरभि में क्या क्या मोती हमारे खजाने में छिपे हैं। जैसे बताऊं? बताइए। क्या आपने ऐसी व्हेल मछली के बारे में सुना है जो तैरती ही नहीं बल्कि चलती भी है? अचंभे की बात। वॉकिंग व्हेल? वॉकिंग व्हेल, हाँ, ये तो एक अचंभे की बात तो है ही, लेकिन क्या आप जानती हैं कि ये व्हेल मछली के अवशेष एक पहाड़ी के आधार पर मिले थे जो खुद समुद्र के नीचे हुआ करता था? अचंभे पे अचंभा, क्या आपने सुना है कि असली घी पीने से दिल की बीमारियां दूर हो सकती हैं? आपने ये भी बात सुनी है कि जहाजों को बंदरगाह तक लाया जाता है ताकि वो डूब सके? बाबा रे बाबा। लेकिन सबसे पहले उस व्हेल मछली को तो देखें जो चलकर समुद्र में प्रवेश करती है। अजी, चलती हुई व्हेल ही कहाँ, हमारे तीन टीम डायरेक्टर्स को भी खूब चलना पड़ा ये अजूबे को आप तक पहुंचाने के लिए। उषा दीक्षित, राजीव शर्मा और अलका गुप्ता। जगह हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां, मूल स्थान सबाठो। ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास सागर से धरती की तरफ हुआ है, लेकिन सागर पर राज करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जीव व्हेल के सिलसिले में ये बात बिल्कुल अचंभित करने वाली है। आज सागर में रहने वाली व्हेल कभी धरती पर चला करती थी। लगभग 4,70,000,000 साल पहले उसने धरती पर चलने के साथ साथ सागर में भी तैरना शुरू किया। तभी की व्हेल के अवशेष पाकिस्तान में कुल्डाना की पहाड़ियों में 1994 में मिले थे, लेकिन उससे पहले की व्हेल कैसी रही होगी ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ था। सर्द मौसम की एक सर्द सवेर, साथियों के साथ प्रोफेसर अशोक साहनी निकल पड़े चंडीगढ़ के स्वाथो की ओर। वो अक्सर यहाँ आते थे, उनको यकीन था कि जिस चीज की उनको तलाश है वो यही मिलेगी। फिर शुरू हुआ हमेशा की तरह पहाड़ियों को टटोलने का काम। पहाड़ियों की परतें हटाते हटाते उनकी नजर एक दांत पर पड़ी जो उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि बन गया। कुछ दांत जो मिले, हम समझते थे कि ये पाकिसीटस हैं, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह का पता चला जो कि शिमला की पहाड़ियों में सुबाथु के पास है। वहाँ की पहाड़ियों समुद्र के नीचे होती थी जो लगभग 5,10,00,000 साल पुरानी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है दो कारणों से। एक, ये सबसे पुराना व्हेल फॉसिल है। दूसरा, ये ऐसी पहाड़ियों से मिला है जो कम गहरे सागर में पाई जाती थी। लगभग 7 करोड़ साल पहले की बात है, 33 नाम का महासागर धरती को दो भागों में बांटता था। भारत महाद्वीप तब साउथ इक्वेटर में अफ्रीका का एक हिस्सा था। यहीं पर रहा करती थी धरती पर चलने वाली व्हेल जो गर्म सागर 33 के किनारे शिकार करने आती थी। 6 करोड़ साल पहले भारत महाद्वीप अपनी जमीन में नॉर्थ पोल की तरफ आकर्षित होने वाले मैग्नेटिक कणों की वजह से अफ्रीका से अलग होकर एशिया की तरफ खिंचने लगा। इसके एशिया से टकराने की वजह से हिमालय का जन्म हुआ। इसलिए प्रोफेसर साहनी को यकीन था कि हिमाचल में व्हेल के अवशेष मिल सकते हैं। उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो धर्मपुर में जो पत्थर है वो उस एज की है जहां हम लोगों को कुछ अच्छी चीजें जो फॉसिल व्हेल के बारे में और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में मिल सकती हैं। प्रोफेसर अशोक साहनी और साथियों की मेहनत रंग लाई। स्वाथु में मिले उन्हें चलने वाली व्हेल की पसलियों और दांतों के अवशेष जो उन्हें आज की आधुनिक व्हेल का पूर्वज सिद्ध करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम लोग को जो फॉसिल मिले, हम लोग ये पहचान सके कि ये कुछ अजीब किस्म का जानवर है जो कि पहले पाया नहीं गया है। और धीमे धीमे जैसे जैसे फॉसिल्स हम लोग के बढ़ते गए, हम लोगों को जो पूरी पिक्चर थी वो क्लियर होती गई और तस्वीर साफ होने से पता चला कि धरती पर रहने के वक्त
वेल की शक्ल कुछ कुछ भेड़िया जैसी थी। वो खुद तो मांसाहारी थी पर अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। धीरे धीरे धरती पर दूसरे जानवरों के कारण वेल को भोजन कम पड़ना शुरू हुआ, इसलिए उसने सागर की ओर बढ़ना शुरू किया मछलियों के शिकार के लिए। लगभग 4,70,000,000 साल पहले उसने आधा समय धरती और आधा पानी में गुजारना शुरू किया। उसके आगे के पैरों की शक्ल भी बदल गई क्योंकि उसको चलने के साथ साथ तैरना भी पड़ता था, लेकिन उसको अभी पानी में सुनने में दिक्कत पेश आती थी। मैं इस नुक्ते को आधुनिक डॉल्फिन के जबड़े की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा, जो मुझे कच से मिला था। यहाँ पर काफी कुछ जगह है जिसे मैंडिबुलर कैनाल के नाम से जाना जाता है। इस मैंडिबुलर कैनाल के ऊपर एक मोटी तह होती थी जो आने वाली ध्वनि तरंगों को आवाज में बदलकर कानों तक पहुंचाती थी। यह कैनाल पाकिसिटस में बहुत छोटी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो पानी में साफ साफ नहीं सुन सकती थी। कैनाल वॉज वेरी स्मॉल इन पाकिसिटस एंड देयरफॉर वी बिलीव दैट इट वॉज नॉट येट एबल टू हियर वेल अंडर वाटर। फिर कुछ लाख साल बाद और आज से लगभग 4,50,60,00,000 पहले उसे पानी में साफ सुनाई देने लगा, लेकिन उसके पैर गायब होने शुरू हो गए और उसकी एक पूंछ भी निकल आई। इस तरह 13,00,000 साल में वेल धरती से सागर के जीव में बदल गई। प्रोटोसीटस वेल के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पीछे कुछ ऐसा उगाया था जिससे लगता था कि उसे एक शक्तिशाली पूंछ की ताकत मिल गई है। अब लगभग 4,30,40,00,000 सालों से वेल पूरे तौर पर सागर की निवासी है, लेकिन उसकी बहुत सी कथाएं अभी भी हिमालय की गहराई में छुपी हुई हैं। प्रोफेसर सानी जैसे दूसरे साइंटिस्ट इन पर पड़ी धूल साफ करेंगे और वेल की कई और कहानियां सामने आएंगी। मैं कहाँ हूँ? याद दिलाइए कोई दिल की बात, शायद लौटा है इनकी याददाश्त। याद दिलाइए। अमूल मलाई पनीर, मलाईदार, मजेदार। वही स्वाद, बिल्कुल वही स्वाद। माँ, सीमा, बापू, रामू काका, मुझे सब कुछ याद आ गया। अमूल मलाई पनीर, मजेदार स्वाद जो हमेशा रहेगा। अमूल चीज, यस प्लीज, ट्राई इट वंस, ट्राई इट ट्वाइस। अमूल चीज है बहुत नाइस, एड अमूल चीज टू योर फूड। स्लाइस इट, ग्रेट इट, मेक्स यू फिट एंड फाइन, इट्स अमूल चीज एनी टाइम। Yes, please. इसके हर बाइट में है दूध, ऐसे ही खाना या विद फूड। हाँ, अमूल चीज है क्या फूड, अमूल चीज, yes, please. तंदुरुस्ती का राज संतुलित भोजन, कसरत, स्वच्छ वातावरण या फिर मन की शांति। एक्चुअली इन सबों की जरूरत कुछ हद तक है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? इस सवाल के जवाब के लिए हमारे टीम डायरेक्टर अभिलाष भट्टाचार्य भेंट करते हैं महाराष्ट्र के आत्मसंतुलन ग्राम में श्री बालाजी तांबे से। और कहां, खंडाला के पास आते हैं क्या? अच्छा बताइए साथियों, आप क्या कहेंगे इस माहौल के बारे में? हाईवे का माहौल, धूल धुआं, पॉल्यूशन, शोर, और इस हाईवे से पास ही हरियाली, सुकून, शांति। शायद हम सबकी सेहत भी इसी प्रकार की है, इस हाईवे की तरह बिगड़ी हुई, पोल्यूटेड। और हम सबको तलाश है एक ऐसे नैसर्गिक वातावरण की जहाँ पर हम सब निरोग रह सके। प्रकृति की कल्पना करने वाले कलाकार को कोई ब्रह्मा कहता है, कोई गॉड तो कोई खुदा, पर इसमें दो राय नहीं कि उस कवि की कल्पना में कविता, लय, संगीत सब में संतुलन था। पेड़, फूल, चरिंदे, परिंदे, जल, थल सब एक ही ताल पर थिरकते थे और इस सिंफनी का एक सुर था इंसान। किंतु जाने कब मनुष्य प्रकृति से अपने को काट बैठा और अपना संतुलन खो बैठा।
सौभाग्य से कुछ स्थान और लोग कुदरत और इंसान के रिश्ते को फिर से जोड़ने में लगे हैं, और ऐसे ही स्थान का नाम है आत्म संतुलन गांव। डॉक्टर बालाजी तांबे ने कारला के पास ही ये नया गांव बसाया है, जहां दूर दूर से गंभीर साधक, उत्सुक सैलानी और असाध्य रोगों से पीड़ित लोग ध्यान योग, आयुर्वेद और संगीत की त्रिवेणी में डूबकर प्रकृति के साथ फिर जुड़ने और एक आत्म संतुलन पाने के लिए आते हैं। आत्मा जो है और जो एक व्यक्ति है उसका संतुलन, उसको बैलेंस करे और उसको पूरा, मतलब है उसके शरीर से, मन से और आत्मा के लिए कुछ संतुलन होकर उसको फायदा हो, इसलिए उसका नाम आत्मसंतुलन विलेज दे दिया। आत्मसंतुलन ग्राम में सुबह सवेरे ही लोग प्रकृति के बीच बसे ध्यान मंडपों में जमा होकर मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करते हैं। फिर शुरू होता है सिलसिला क्रिया योग का। तरह तरह के व्यायाम और आसन शरीर को ही नहीं बल्कि मन और मस्तिष्क को भी संतुलित करने में मदद करते हैं, और जब मन संतुलित हो जाए तो मनुष्य न केवल एक दूसरे से बल्कि स्वयं से और प्रकृति से भी एक आध्यात्मिक संयोग बना पाता है। आत्म संतुलन तक पहुंचने की यात्रा में बहुत जरूरी होता है भोजन पर संतुलन रखना, इसीलिए यहाँ का खाना भी सात्विक, शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। श्रीमती तांबे खुद किचन और कैंटीन का काम देखती हैं और सब लोग साथ में मिलकर खाते हैं। नाश्ते में मिलता है खील, लाई और दूध। इस नाश्ते से मैं काफी कुछ लाइट फील करता हूँ। दूसरा, मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि इस नाश्ते से मेरे सिस्टम की सफाई हो रही है। इस विरेचन को पीने से जहां शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं, वहीं लौंग अदरक का अपना मजा, पर सबसे जरूरी होता है यहां का पंच कर्मों से बना औषधि युक्त घी पीना। घी से आर्टरीज बंद होती नहीं है, उल्टा खुलती है। ये पंचकर्म के दौरान जो हम लोग एक आधा लीटर घी पिलाते हैं, ये घी मेडिकेटेड है और उसको 100 घंटा उबाला हुआ है, तो वो तो अलग काम करता है। लेकिन जो ऐसे घर में घी बनाते हैं, दही जमा के जो मक्खन निकाल के जो घी बनाया, वो घी यदि रोज 7-8-10 चम्मच खाएंगे तो ताकत बढ़ेगी, तो डायबिटीज क्योर हो सकती है, हार्ट की बीमारियां जो है उसमें लाभ करता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लोगों में इतना डर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये घी पिलाते हैं और इसका देखा है कि ट्राइग्लिसराइड पूरा उतर जाता है। दोपहर से शुरू होता है चिकित्साओं का सिलसिला, जैसे हृदय के रोगियों के लिए ये रित बस्ती, जिसमें दिल के आसपास एक आटे का कुआं बनाकर उसमें औषधि युक्त घी भर देते हैं। मुझे हार्ट अटैक हो चुका है, उसके बाद में बाईपास सर्जरी हो चुकी है। यहाँ पर आने से जो हृदय बस्ती वगैरह दी है उससे पता चला हुआ है। मेरी डायबिटीज जो कि 60 यूनिट्स पर डे लेता था, उसका 15 यूनिट्स आ गया। जबकि हम शक्कर ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, हम राइस ले रहे हैं, पोटैटो ले रहे हैं, सब चीज खाने के बावजूद भी इतना कम हुआ है। दिस इज ए मिरेकल आई फील। सिर पर लगातार गिरती ये दवा बुझे तेल की धार शिरोधारा कहलाती है और मस्तिष्क को बहुत आराम पहुंचाती है। इसी तरह आंखों और नेत्र ज्योति को तेज करती है नेत्र बस्ती। होती हैं तरह तरह की मालिशें, जैसे गठिया के लिए चावल के पिंडों से की जाने वाली ये मालिश। अलग अलग क्रियाओं से तरह तरह के रोगियों को लाभ पहुंचता है और पार्किंसन डिजीज के रोगियों को भी फायदा होते सुना गया है। अभी ये बहुत सही है, जब आए थे तो बहुत बैलेंस इनका गड़बड़ था, बोल नहीं सकते थे ठीक से, अब ये बोल भी रहे हैं। पार्किंसन डिजीज कम हो रहे हैं और बैलेंस भी सही है, इनका गिरते नहीं है, और चेहरे में बहुत फर्क आया इनके। चेहरा पहले एकदम डार्क था, अब ग्लो करने लगा। प्रकृति से जब इतना कुछ मिलता है हमें, तो हमें भी उसे कुछ देना चाहिए, यही सोचकर इस गांव में जड़ी बूटियों औषधियों का एक छोटा सा उपवन रोपा है डॉक्टर बालाजी तांबे ने। अगर वनस्पतियों का ज्ञान हमें हो तो बहुत से रोगों को हम बिना महंगे इंजेक्शनों और दवाओं के ठीक कर सकते हैं,
जैसे एलोवेरा के इस डंठल के बीच बसे गूदे को खाने से बहुत से स्त्री रोग ठीक हो जाते हैं, और एरंड के पत्ते को सुबह सवेरे कूटकर उसके रस में गाय का दूध मिलाकर पीने से हेपेटाइटिस जैसी लाइलाज बीमारी में आराम मिलता है। आयुर्वेद की औषधियां ज्यादा लोगों तक पहुंचें, इसके लिए आधुनिक फार्मेसी का निर्माण हुआ है। हालांकि यहां तरह तरह के रोगी उपचार के लिए आते हैं, मगर यहां के रहन सहन में अस्पताल की छाप कहीं नहीं दिखती। सत्संग, संगीत, सांस्कृतिक समागम और सुबह सुबह की प्रभात फेरियां एक ऐसा उत्साह भर देती हैं कि बूढ़े जवान, रोगी निरोगी सब आनंदित नजर आते हैं। लगता है कोलाहल, बेचैनी, घुटन और असंतुलन से भरे आज के जीवन में एक ही शांति द्वीप है, जिसका नाम है आत्म संतुलन ग्राम। जब सिद्धा जी ने एक ऐसे हार्बर यानी बंदरगाह का जिक्र किया जहाँ पर जहाजों को डुबोने के लिए लाया जाता है, आप किसी उलझन में पड़ गए थे? ऐसा कीजिए, हमारे पिछले सवाल को याद कीजिए। हमने आपसे पूछा था कि अपने देश में शिप ब्रेकिंग का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे टीम डायरेक्टर्स हेतल देसाई और राजीव शर्मा ने हिम्मत से हाई और लो टाइड का मुकाबला किया और आपके लिए लाए चकित करने वाला मंजर। सफर यानी बिछड़ना और मिलना। सफर पर चलते हुए हम आधे समय तक याद करते हैं बीते हुए माजी को, और आधे समय कल्पना करते हैं आने वाले कल की। मगर आने वाला कल खुशगवार नहीं है, अगर ये पता हो तो पैरों में उत्सुकता की शोक ही नहीं रहती। बस कुछ ऐसे ही बोझल कदमों से उदास सा साहिल की ओर बढ़ रहा था बुजुर्ग बुंगा सूर्या, अपनी जिंदगी के आखिरी मुकाम अलंग पहुंचने के लिए, क्योंकि अलंग पहुंचने के बाद उसको वर्तमान से इतिहास में बदल जाना था। सुबह की सुनहरी रोशनी में बुंगा सूर्या ने अपने आप को पाया बहुत से दूसरे साथियों के बीच। यहीं पर उसको मिला पुराना दोस्त वेस्टमेट। आखिर ऐसा क्या है जो इन जहाजों को खींच लाता है इनके आखिरी वक्त में अलंग? ये जो टाइडल डिफरेंस जो है, मतलब आपका हाई वाटर और लो वाटर का जो डिफरेंस जो होता है, तो ये डिफरेंस इतना ज्यादा है कि ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। इसके वजह से क्या होता है कि जब हाई वाटर में आप जहाज बीच करते हैं तो एकदम नजदीक आ जाता है, किनारे के नजदीक आ जाते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जहाज को टुकड़े करके आप बाहर गिरा सकते हैं, और कीचड़ ज्यादा नहीं होने की वजह से आपका कोई पार्ट लूज होने का, गुम जाने का कोई डर नहीं रहता है, और इस वजह से जहाज की कटिंग भी बहुत फास्ट हो जाती है दूसरी जगह से आप कंपेयर करें तो। आदर्श भौगोलिक स्थिति होने के कारण गुजरात के शहर भावनगर से 50 किलोमीटर दूर अलंग में शिप ब्रेकिंग का काम शुरू हुआ था 1982 में। पहले साल 5 जहाज टूटने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ 16 साल में छोटा सा गांव अलंग दुनिया में सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। अब तक 2,268 जहाज दुनिया के कोने कोने से आकर यहां रिसाइकल हो चुके हैं। इन जहाजों को खरीदा जाता है लंदन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। शिप के जो मालिक हैं वो अपने दलालों के थ्रू लंदन मार्केट में उस इंक्वायरी को फ्लोट करते हैं, वहां से वो डिफरेंट चैनल्स और अपने सब ब्रोकर्स के थ्रू जो है हमारे तक लाते हैं, फिर हमारे बीच में नेगोशिएशन होती है, और हम जो ये जहाज है, जिस किस्म का जहाज है उसके हिसाब से प्राइस की बिडिंग करते हैं और डील कंक्लूड हो जाती है। 25 सालों तक सागर की लहरों पर खेलने वाला केवट हो या 28 वर्षों की यादों को मन में संभाले हुए 275 मीटर लंबा, 41 मीटर चौड़ा और 22 मीटर ऊंचा जापानी लियॉन, अलंग आने के बाद इन सबको टूट कर बिखर जाना होता है।
लोहे के टुकड़ों में। लोहा ही तो होता है एक जहाज के शरीर में सबसे ज्यादा लगभग 70%। इसके अलावा 10% होती है इसके रगों में जोश भरने वाली मशीनरी और बाकी दूसरा जरूरी सामान। अलंग में एक जहाज को तोड़ने के लिए 5-6 महीने और बहुत सी मानवीय मेहनत लगती है। यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर मजदूर यूपी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल से आते हैं। उनकी सख्त और सस्ती मेहनत अलंग को दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड बनाती है। जहाज के किनारे पर लगने के बाद सबसे पहले उसके बाहरी हिस्से को काटा जाता है। काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल होता है, जो जहाज को लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता चला जाता है, जिनको क्रेन की सहायता से उठा लिया जाता है। इस तरह से पूरा जहाज कुछ महीनों में अच्छी क्वालिटी के लोहे में बदल जाता है। करीबन 365 या 2.5 मिलियन टन से ज्यादा हम स्टील यहाँ पे पैदा करते हैं। हमारी टर्नओवर 2500 से 3000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष है। इसमें 500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट में कस्टम ड्यूटी और एक्साइज के रूप में देते हैं। करीब 100 करोड़ रुपया सेल टैक्स के रूप में हम गुजरात स्टेट को देते हैं। इस तरह अलंग की स्टील इंडस्ट्री भारतीय आर्थिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। सारा काम मानवीय हाथों से होता है, इसलिए कभी कभार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। जहाजों के साथ अगर अच्छा सामान आता है तो कुछ ऐसा भी आता है जिससे प्रदूषण फैलता है। इसको जितना कम किया जा सके उतना ही अच्छा है, इस इंडस्ट्री के लिए भी और देश के लिए भी। जो भी हो, यहाँ अलंग में बिखरी पड़ी अनमोल यादें और प्यारे एहसास कुछ उदास तो करते ही हैं। ये जानने के बाद भी कि जो बना है उसे खत्म होना है, तभी तो कुछ नया बनेगा। जैसे खत्म हुए जहाजों से निकला लोहा रोलिंग मशीनों में जाकर सरियों में बदलेगा, जिनसे बनेंगे नए घर। शायद आपके घर की ऊंची छत में भी कुछ ऐसे सरिये हों जिन्होंने कभी दूर दराज की धरती को छुआ हो। लेकिन भावनगर अलंग से दूर दराज नहीं है। यहाँ के बाजार में आपको अलंग के जहाजों से निकला सारा सामान मिलता है, जिसको इकट्ठा कर आप चाहें तो नया जहाज खड़ा कर सकते हैं। यही आकर आपकी उदासी खुशी में बदलती है, जब आपको पता चलता है कि अलंग से लाए गए सामान से यहाँ एक नया जहाज बन रहा है। अलंग के होने से खर्चे काफी कम हो गए हैं। कॉस्ट कंट्रोल करके 4-5 करोड़ में यहाँ जहाज बन जाता है, क्योंकि रडार जैसी चीजें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती है। अपने पंख खोल फिर से भरेगा परवाज मराठा कॉनकॉर्ड विशाल सागर के सीने पर, आंखों में सुंदर सी कल्पना लिए आने वाले कल की। नमस्कार, आज एक पहेली हो जाए। चार शैतान राजकुमार, उनके आचार्य, हंसते गाते पशु पक्षी और नैतिकता भरी सीख, बताइए क्या है? पंचतंत्र की कहानियाँ आपने जरूर सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन कभी देखी है? नहीं तो चलिए हमारे साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में लगी ये प्रदर्शनी देखते हैं। पंचतंत्र की कथाओं से निकलकर तस्वीरों में उतर आए हंसते बोलते पशु पक्षी, चतुर खरगोश, चालाक लोमड़ी, दयालु हाथी और उनके अनेक दोस्त, ये सब हिस्सा थे उस प्रदर्शनी का जो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने सजाई। ये निराली प्रदर्शनी भारतीय साहित्य और कला की धरोहरों को जोड़ने का एक अद्भुत तरीका भी था, जहां कलमकारी, मधुबनी जैसी शैलियों में पंचतंत्र की अनेक कथाओं ने आकार लिए। पंचतंत्र की बात हो और बच्चे ना हो, ये तो असंभव है। बच्चों की सतरंगी कल्पनाओं से सजी पेंटिंग्स भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा थी और दूर देशों में पंचतंत्र की लोकप्रियता की गवाही देती तस्वीरें भी मौजूद थी यहाँ। आज इस केंद्र में इन चित्रों और मल्टीमीडिया में जीवंत ये कथाएं भविष्य की धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं। अब बारी है आज के उपहारों की। पीपल के पत्ते पर चित्रित ये खूबसूरत गणेश जी हमें भेजे हैं अजमेर से श्री शराफत खां, श्री विजय सिंह सोलंकी और श्री अजय सिंह सोलंकी ने। जिन दर्शकों को आज आपकी नुमाइश में शामिल किया गया, वो पाएंगे स्पिक मैके पब्लिकेशंस की ओर से एक विशेष पत्रिका
द आई का वार्षिक सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त। और अब बारी है आज के विजेताओं की। इस सप्ताह प्राप्त कुल पत्रों की संख्या है 20,254, जिनमें से सही जवाब है 16,410। और पहले विजेता है भूपेंद्र बी जोशी, आनंद, गुजरात। आपका इनाम भारतीय रेल के सौजन्य से भारत में किसी भी जगह दो व्यक्तियों के लिए फर्स्ट क्लास या सेकंड एसी की दो रिटर्न टिकटें, उड़ीसा टूरिज्म की ओर से उनके किसी भी एक होटल में दो व्यक्तियों के लिए 3 दिन और कर्नाटका हैंडलूम की ओर से 4,000 रुपयों तक की खूबसूरत साड़ियां। दूसरी विजेता मिसेज उमा गोपालन, चेन्नई, तमिलनाडु। आपका इनाम गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से 2 बच्चों और 2 बड़ों के लिए औली में 2 दिन, हैरी कलेक्शन की ओर से 2,500 रुपयों तक के शानदार प्रीमियम सूटिंग्स गिफ्ट हैम्पर और केएसडीएल की ओर से 1,000 रुपयों तक के आकर्षक उपहार। तीसरी विजेता ज्योत्सना सायनी, बरेली, उत्तर प्रदेश। आपका इनाम होटल लेक एंड और जयसमंद रिजॉर्ट उदयपुर में 2 व्यक्तियों के लिए 3 दिन और एचएमडी की ओर से संगम घड़ियों का शानदार सेट खास आपके लिए। चौथे विजेता वसंत गोडबोले, पुणे, महाराष्ट्र। आपका इनाम महाराष्ट्र टूरिज्म की ओर से माथेरान में 2 व्यक्तियों के लिए 3 दिन और गढ़वाल मंडल विकास निगम के भागीरथी मिनरल वाटर एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स की ओर से 1,000 रुपयों तक की विशेष भेंट। और ईमेल से खास विजेता है राजीव महाजन, यमुनानगर, हरियाणा। आपका इनाम विदेश संचार निगम लिमिटेड के सौजन्य से इंटरनेट को जानने और समझने का अनोखा अवसर, 100 घंटे की मुफ्त इंटरनेट सेवा, VSNL विश्व में भारत का प्रवेश द्वार। इन सभी विजेताओं और अमूल रेसिपी कॉन्टेस्ट की विजेता को अमूल की ओर से मिलेगी द अमूल इंडिया स्टोरी बुक और धारा की ओर से एक विशेष गिफ्ट हैम्पर। एक और मुकाबला ज्ञान का, विजडम ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट। आपको बताना है भारत ने मानव सभ्यता के लिए वैदिक काल से लेकर आज तक क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे गणित में शून्य, स्वास्थ्य में योग, वैसे अलग अलग क्षेत्रों में आपको भारत की खास उपलब्धियां बतानी है। विजेता को मिलेगा एक इनाम, सांस्कृतिक पत्रिका मार्ग के सौजन्य से उनके द्वारा प्रकाशित चुनिंदा पुस्तकों का एक आकर्षक सेट। वर्षों बाद, ठीक ठीक कहें तो 15 वर्ष बाद किसी भारतीय को एक बार फिर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। हम सभी उनके नाम से अच्छी तरह परिचित हैं। वो खबरों की सुर्खियों में हैं हमारे बंगाल के अमर्त्य सेन, जिन्हें इकोनॉमिक्स के लिए पुरस्कार मिला। लेकिन उनके पहले नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीयों के क्या आप नाम बता सकते हैं, और ये भी कि उन्हें किन विषयों के लिए ये पुरस्कार मिला? सवाल एक बार फिर गौर से सुनिए। आपको बताना है कि अमर्त्य सेन के पहले नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीयों के नाम क्या हैं और उन्हें किन विषयों के लिए ये प्राइज मिला। कैन यू टेल अस, अपार्ट फ्रॉम मिस्टर अमर्त्य सेन, विच इंडियंस हैव वन द नोबेल प्राइज एंड फॉर व्हाट सब्जेक्ट? जवाब इस पते पर भेजिए, अमोल सुरभि सवाल जवाब, सिनेमा विजन इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 11901, आजाद नगर, मुंबई 400053। आपके जवाब हमें 7 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए। अब हमसे संपर्क का एक और जरिया हमारा ईमेल पता surabhi@amul.com, और हम इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। पता है www.indiasurabhi.com। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। भाग्यशाली विजेता को मिलेगा विदेश संचार निगम लिमिटेड के सौजन्य से एक शानदार मौका दुनिया को जानने का, 100 घंटों की मुफ्त इंटरनेट सेवा। दिलचस्प बात यह है कि भारत से जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उनके विषय जो है अलग अलग रहे हैं। सिर्फ एक विषय दोहराया गया है, एंड दैट इज फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान। इसका मतलब ये हुआ कि या तो नोबेल प्राइज विनर्स कम हैं या नोबेल प्राइज ज्यादा विषयों के लिए दिया जाता है। आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे कि ये नोबेल प्राइज विनर्स नहीं, मोतीचूर लड्डू हो। अगर ऐसा होता तो हजम करना मुश्किल होता। वैसे ज्ञान का स्वाद मीठा होता है ना। अमूल सुरभि देखते रहिए, पच जाएगा। नमस्कार। अगले सप्ताह यूरोप की संगीत दुनिया में खलबली मचाने वाला साउथ अफ्रीका का म्यूजिक ग्रुप लेडी स्मिथ ब्लैक मम्बाजो गुजरे कल की धुन पर झूमते हैं आज फिर सुरसागर जगमोहन जी के साथ। और अपनी उम्र का पता अगर पेड़ नहीं तो हम बताएंगे अपनी जवाबी कहानी में।
Therapy, brought to you by Amul, the taste of India.